24 घंटे हो गए बाद इसको रहे ना। चाय पकौड़ी का मन कर रहा होगा, चाय के साथ गर्म गर्म पकौड़ी होता है। अपने तो मॉर्निंग में जी नहीं पकौड़ी। अच्छा मौसम है ये देखो, हाँ हाँ क्या प्यारा मौसम है इंदौर का, कितनी थक जा रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम इंदौर, और अभी मैं हूँ इंदौर के बिल्कुल पड़ोसी गांव में, मेरे घर से 1 किलोमीटर पड़ता है, और मैं यहाँ पे दूध लेने डेली आता हूँ, वो आपने ब्लॉग में देखते हो पहले वाले। और बस वीडियो बनाना पड़ा इसलिए कि यहाँ का वेदर है बिल्कुल ठंडा हो गया, अभी यहाँ का टेम्परेचर 14 डिग्री पे टेम्परेचर हो गया। ये इसलिए कि ठंड ने तो पहले दस्तक दे दी थी इंदौर में, और अभी कल से जो बारिश हो रही है इंदौर में, कल 3 बजे से बारिश हो रही है इंदौर में, और अभी रात भर भी बारिश हो रही थी, मतलब रेगुलर मेरे को लग रहा काफ़ी टाइम हो गया बारिश हो रही थी कल, जब यानी कि 14-15 घंटे से बारिश चली रही है इंदौर में, और अभी बारिश जस्ट आधा घंटे पहले बंद हुई यहाँ पे, तभी मैं घर से बाहर निकला हूँ, नहीं तो घर से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा, इतनी ठंड थी यहाँ पे। ऐसा वेदर हो रहा जैसे अपना हिल स्टेशन में होता है मसूरी वाला और नैनीताल वाला, जो वेदर होता है ना आजकल सेम वैसी वेदर यहाँ पे हो रखा है, बिल्कुल ठंडा हो रखा है। और बस यही बता रहा था, देखो मैं आसपास के ना, क्योंकि यहाँ पे कल से बारिश हो रही थी तो सोचा आपको एक बार दिखा दूँ यहाँ पे जो कल से बारिश हो रही थी। तो अभी नई सीरीज चालू होगी मेरी, शायद नेक्स्ट मंथ से एक लॉन्ग ट्रिप का प्लान है, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, अगर डेट फिक्स हो जाती है तो मैं आपको एडमेरी शो कर दूँगा एक लंबा ट्रिप का, कि अपकमिंग ब्लॉग जो आएंगे टूर वाले ब्लॉग भी आ सकते हैं, अभी फिक्स डिसाइड नहीं हुआ लेकिन आ जाएंगे। तो मैं बाहर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, बस दूध लेने भी मैं अभी निकला हूँ, नहीं तो मैं मॉर्निंग में 8-10 तक मैं निकल जाता था घर से बाहर, लेकिन अभी मैं सिर्फ लेट इसलिए हुआ हूँ क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश में निकलना संभव नहीं था, ऊपर से टेम्परेचर यहाँ का अभी 14 डिग्री पे है, और 14 डिग्री लगा लो अब कितना होता है, मतलब हिल स्टेशन के बराबर, जो हिल स्टेशन पे अभी टेम्परेचर है सेम ऐसे ही हो रखा है, तो ऐसा जैसे अपने को अभी गांव जैसा माहौल लग रहा था, बिल्कुल गांव में जैसे अपने उत्तराखंड में लगता है कि हाँ अभी बर्फ़ पड़ने वाली, बर्फ़ जैसा मौसम था, सेम ऐसी मौसम यहाँ पे हो रखा है अभी। तो बस वही मौसम के बारे में आपको अपडेट करना था, इंदौर का मौसम कल से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, ठंडा क्योंकि ठंड तो पहले दस्तक दे चुकी थी इंदौर में, और अभी रेगुलर 14-15 आवर से रेनिंग तो हो ही रही है, और रेनिंग के चक्कर में वेदर और ठंडा हो गया। तो अभी प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, और दूसरा चीज़ एक और है, अभी एक दस्तक और एक वायरस ने और दस्तक दे दी है, तो आप अपना ख्याल रखिए प्लीज़, अच्छे से अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े पहनिए, अगर आप ठंड में बाहर निकलने की कोशिश करो तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए, और हो सके तो अवॉइड करिए बाहर निकलना, और अगर आपको काम से निकलना है तो निकलिए, प्लीज़ निकलिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अच्छे कपड़े गर्म कपड़े पहन के निकलो, इतना ठंडा हो गया इंदौर, तो आप अच्छे कपड़े पहन के निकले और स्वस्थ रहे। भगवान से उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ रहे और सब मस्त रहे और व्यस्त रहे, ठीक है। अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका प्यार पर मेरे साथ बना रहे, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ से ये देखो रोड आपको गीली लग रही है, कल रात से बिल्कुल रेगुलर बारिश हो रही है यहाँ पे, तो उसी देखो ये पानी का ताला ही बना हुआ है, और ये उधर देख रहा है आपको, और ये सामने जो आपको ये दिख रहा है, मेरे जो लास्ट एक दो ब्लॉग थे स्टार्टिंग के देखे होंगे, तालाब झील वाला ब्लॉग, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे झील था पूरा बना हुआ, यहाँ पे बरसात का पूरा पानी भरा हुआ था उस टाइम पे, अभी यहाँ पे बरसात का पानी निकाल दिया गया है, फिर से यहाँ पे कुछ बो दिया है मेरे को लग रहा है, और ये देखो यहाँ का नज़ारे, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा है, देखो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, देखो आपको चैनल पे बने रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और उम्मीद के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जहाँ भी रहो व्यस्त रहो।